मेरे एक ब्लॉग पीपल के झरोखे से भाग एक, उसी के संदर्भ में आज बात है। उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे मेरे चाहने वालों ने मुझे संदेश भेजा था कि उनको बचपन की याद आ गई, क्योंकि पीपल अपने उन अनुभवों को दिखाता है जो कि आने वाले समय में डायनासोर की राह पर अग्रसर हैं। जैसे भविष्य में गिल्ली डंडा, माटी का कच्चा घर, ये सब म्यूज़ियम में रखा जाएगा। कोरिया में भी इनके जो पुराने घर हैं उसका एक पूरा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है इन लोगों ने। हानोक माउल करके एक जगह है जहाँ पे थपुआ नरिया वाले घर सारे वैसे ही विदेशी सैलानी आते हैं, उसको देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। तो हमारे देश में भी वो परिस्थिति आएगी, म्यूज़ियम बनेगा। पीपल बहुत कंजर्वेटिव मेंटेलिटी में नहीं है, उसको बहुत अच्छा लगता है जो मानव जाति ने प्रगति की है, विज्ञान ने प्रगति की है। पहले के ज़माने में जैसे प्रसव पीड़ा में बच्चा ज़्यादातर घर पे ही पैदा होता था, उसमें ज़्यादातर केसेस में जच्चा या बच्चा दोनों में से एक पे हमेशा दिक्कत आती थी। आज पीपल को बड़ा अच्छा लगता है कि आज हॉस्पिटल है, गाड़ी है, कुछ दिक्कत हुआ तो झट से पहुंच गया और जान बच गई, तो बहुत ही खुश रहता है। लेकिन पीपल के मन में एक टीस है, मानव ने बहुत ही तरक्की के आसमान छुए हैं और छू भी रहे हैं, आने वाले समय में लोग दूसरे ग्रहों पर भी जाएंगे, लेकिन उसकी टीस है गिरती हुई मानवता। उसको बहुत दुख लगता है जब वो देखता है कि कोई आदमी सड़क पे गिरा है और लोग वीडियो बना रहे हैं, उसको पानी नहीं दे रहे हैं, उसको हाथ नहीं दे रहे हैं, उसकी धड़कनें नहीं टटोल रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, और ये ज़्यादातर केसेस में हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को याद करते हुए और ऐसा भविष्य में न हो, हम इसकी जिम्मेदारी लें और आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा दें। हमारा तो जो होना था वो हो रहा है, अब सारी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी की है, तो उस पीढ़ी को सही जानकारी दें, सही संस्कृति से परिचय कराएं, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसको बचाएं। तो उन्हीं चंद चीज़ों का इसमें वर्णन रहेगा। अब कौन सा रस रहेगा, मैं ये निर्णय आप पे छोड़ता हूँ, आप निर्णय लीजिए। लेकिन मैंने सुना है कि मीठा रस अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य के लिए, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ भी रही हैं मीठा रस पीने से। तो मैंने प्रयास किया है कि इसमें बिना चीनी का रस हो या थोड़ा नीम रस हो। नीम बहुत फायदेमंद रहता है खून को साफ करने के लिए। आप सुनिएगा। रंग ये ऐसा क्यों चढ़ा है, माटी का रंग माटी रहने दो, सतरंगी चेहरे बेरंग दिल, अब दोनों को रंगीन बनने दो। छुपा हुआ हो रावण अंतरण में, जिह्वा जब जपती हो राम, खोल दो बजरंगी सीना अपना, अब शीशे सा सब दिखने दो। उड़ो गगन में इतना ऊंचा, उड़ो गगन में इतना ऊंचा कि अपनों का अंबर खींच सके, कहीं स्वर्ग चढ़ने की चाहत त्रिशंकु की न रीत बने, धरूं धरा कि पीलूं अंबर, मन को इस बवंडर में न उड़ने दो। मानव बन आए अगर बन नहीं पाए तो बाज बनो कुछ नाज रखो, जिंदे जज्बातों को मत नोचो, मानवता तुम चूमो गगन स्वागत हो,
मानवता तुम चूमो गगन स्वागत हो, कभी गिरना तो इतना मत, क्योंकि जमी नहीं है गज दो गज रज तेरे दफनाने को, जमी नहीं है गज दो गज रज तेरे दफनाने को। रिश्तों का मत मोल लगाओ, रिश्तों का मत मोल लगाओ, कागज से मत नपने दो, अनमोल हैं ये, अनमोल इन्हें रहने दो।